The U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelter. अमरीकी सदर जो बाइडेन के ऐलान के बाद गजा तक इमदाद पहुंचाने के लिए एक आरजी बंदरगाह तामीर का काम शुरू हो गया है। जनरल फ्रैंक एस बेसन जहाज मशरकी बहेरा रोम के लिए रवाना हो गया। कहा जा रहा है कि जहाज बंदरगाह की तामीर के लिए सामान ले जा रहा है। सेनेट कॉम की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 9 मार्च 2024 को अमरीकी सदर बाइडेन के गजा को समंदरी रास्ते से इंसानी इमदाद फराहम करने के ऐलान के 36 घंटे से भी कम वक्त में अमरीकी फौज का जहाज जनरल फ्रैंक एस बेसन ज्वाइंट पहुंच गया। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जहाज इंसानी इमदाद की अहम फराहमी के लिए एक आरजी बंदरगाह कायम करने के लिए इब्तदाई सामान मुंतकिल कर रहा है। अब जानना यह है कि अमरीका का मंसूबा क्या है। अमरीकी फौज फलस्तीनियों की इंसानी इमदाद के लिए गजा के साहिल पर एक प्लेटफॉर्म कायम करने जा रहा है। जब अमरीका इसराइल को जंग रोकने या इमदाद पहुंचाने पर कायल न कर सका तो उसने गजा की पट्टी से दूर मशरकी बहेरा रोम में एक आरजी बंदरगाह बनाने का फैसला किया। जबकि ये ऐलान किया गया है कि इस बंदरगाह के लिए कम अज कम 1,000 अमरीकी फौजी उस खित्ते में तैनात किए जाएंगे। लेकिन ये सोचा जा रहा है कि क्या वाशिंगटन का कोई खुफिया एजेंडा है जबकि गजा को निशाना बनाने वाले इसराइल के हमले जारी हैं। अमरीका जो कि इसराइली फौज को असलहा सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुख है, इसने ऐलान किया है कि वो मशरकी बहेरा रोम में गजा की पट्टी के करीब एक बंदरगाह बनाएगा ताकि खित्ते में भूख के बहरान से निमटने के लिए इमदादी हवाई जहाज भेजे। अगरचे ये मालूम नहीं हो सका कि आया वाशिंगटन की जानिब से आरजी बंदरगाह खोलने के अकदाम के पीछे कोई पोशीदा सियासी और फौजी एजेंडा है, वही मुख जिसने 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद से इसराइल को कई टन बम भेजे हैं। पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पेट राइडर का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म के कयाम के लिए 1,000 अमरीकी फौजी खित्ते में तैनात किए जाएंगे और आरजी बंदरगाह की तामीर तकरीबन 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। मंसूबे के मुताबिक गजा के लिए इंसानी इमदाद के जहाज इस प्लेटफॉर्म पर लंगर अंदाज होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपका और हमारा साथ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर से जड़ने जा रहा है एक नए प्लेटफॉर्म पर, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।